हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अब भाई हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ ने क्या कहा भाई? ओम्स लॉ ने ये बताया, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या बताया। ओम्स लॉ ने ये कहा कि हमारे पास जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जो भी हमने अर्लियर वीडियो में बताया था पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का एक रेशियो बताया। क्या बताया? रेशियो बताया कि जब भी जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस आप वहां पे अप्लाई करोगे उतना ही करंट निकल के बाहर आएगा। कहने का मतलब ये बताया ओम्स लॉ ने। क्या बताया? ऑन गिवन कंडीशन लाइक टेम्परेचर। अब जब टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता हूं भाई, यहां पे मैंने गिवन कंडीशन किसके लिए यूज किया है कि अगर मैंने टेम्परेचर को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, देन द पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने किया था वी ए माइनस में बी, अर्लियर वीडियो में जाके देख सकते हैं भाई, द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट प्रोड्यूस्ड By the object। कहने का मतलब कि on given condition, then the potential difference is directly proportional to the current produced by the, या कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट बोलो या फिर कोई आप इसको लिख दो by the electric circuit। ये किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा अगर वहां पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया गया है तो इलेक्ट्रिक करंट भी उसके क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैथमेटिकली क्या बताना चाह रहा है? मैथमेटिकली ये बताना चाह रहा है कि V पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है टू द I, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, या फिर इसका वाइस वर्सा मतलब उल्टा, कि अगर यहां पे इलेक्ट्रिक करंट दिया गया है तो उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसका मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया उतना ही करंट दिया, इसका मतलब जितना करंट दिया उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब भाई यहां से क्या देख रहा हूं, इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूं, क्या हटाता हूं इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को, देन V इज इक्वल टू में मैंने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, आई तो था ही हमारे पास, आर यूज कर लिया। आर का मतलब यहां पे मैं आपको बताऊं, इट मींस रेजिस्टेंस। क्या है भाई आर का मतलब? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटाया वो हमने आर यूज किया, आर का मतलब हो गया रेजिस्टेंस, इट मींस वी इज इक्वल टू में आई आर। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ओम्स लॉ इज इक्वल टू में वी इज इक्वल टू में आई आर। अब भाई ओम्स लॉ है ना, यहाँ पे दो टाइप के बताए, एक होता है ओमिक कंडक्टर और एक होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर का मतलब दो बताए भाई, क्या कि एक तो बताया ओमिक और एक बताया नॉन ओमिक। ओहमिक का मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जो ओम्स लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो हो गए नॉन ओहमिक। अब ओम्स लॉ को फॉलो कौन करेगा? फॉर एग्जांपल जैसे मैं ग्राफ से बताता हूँ भाई, ग्राफ से मैंने लिया भाई, मान लिया ये पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया, ये इलेक्ट्रिक करंट ले लिया। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर आपके पास क्रिएट होती है, क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कहने का मतलब जितना करंट दिया उतनी ही वोल्टेज, जितना करंट दिया उतनी ही वोल्टेज, जितना करंट दिया उतनी ही वोल्टेज, जितना करंट उतनी ही वोल्टेज। या फिर इसका रेसिप्रोकल हो सकता है, रेसिप्रोकल का मतलब यहां से अगर मान लो ये भी हो सकता है भाई आपके पास, कि आपके पास ये करंट भी हो सकता है, ये वोल्टेज भी हो सकता है, दोनों प्रॉपर्टी है सेम, फिर से क्या रहेगा, एक स्ट्रेट पाथ रहेगा, जितना वोल्टेज उतना करंट, जितना वोल्टेज उतना करंट, जितना वोल्टेज उतना ही करंट। क्लियर है? अब भाई ओम्स लॉ के हमने क्या पढ़ा, ओम्स लॉ को पढ़ा V इज इक्वल टू में आई आर। क्लियर है? वहां पे ओमिक और नॉन ओमिक हो गया था। इसकी ओम्स लॉ की सिर्फ एक लिमिटेशन बताई भाई, क्या लिमिटेशन बताई, लिमिटेशन क्या बताई कि लिमिटेशन ये बताई कि ये हमेशा किसको फॉलो करेगा, ओमिक लॉ को। इसको फॉलो करेगा जो भी आपके पास ओमिक सब्सटेंस रहेंगे उनको ही फॉलो करेगा। कहने का मतलब, और ओमिक किसको फॉलो करता है, ओमिक करता है या तो आपके पास बिल्कुल प्योर मेटल हो, या तो बिल्कुल
प्योर मेटल हो या फिर कोई एलॉय हो, इन दो चीजों को के अलावा वो और कहीं से पास आउट नहीं हो सकता। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, हमारे पास घर में एलईडी होती है, फ्लोरोसेंट बल्ब्स होते हैं, तो यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो अप नहीं करता। क्लियर है भाई? दूसरा इसकी लिमिटेशन कि यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर और अदर गिवन कंडीशंस पे वो रिमेन्स अनचेंज रहती है। क्या मैंने क्या बताया, मैंने पहले भी लिखा था कि टेम्परेचर क्या रहेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, वो कॉन्स्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, तो ही आपके पास ओम्स लॉ है। तो ये सबसे बड़ी आपके पास लिमिटेशन बताई। अब ओम्स लॉ हो गया। अब यहां से भाई मैं दो स्टेटमेंट निकाल सकता हूं, क्या कि V is equal to IR। अब ये R हमने बताया रेजिस्टेंस, क्या बताया रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं R is equal to में V upon में I, ये रेजिस्टेंस बना। अब रेजिस्टेंस को दो टर्म में डिफाइन कर सकता हूं भाई, कैसे, रेजिस्टेंस मींस, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इट अपोजिस, ये क्या करता है, इट अपोजिस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या करता है, ये अपोज करता है, रेसिस्ट करता है, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करता है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस। या दूसरी टर्म में मैथमेटिकली क्या बताऊं, मैथमेटिकली बताया इट इज द रेशियो ऑफ, ये किस किस का रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट, ये किस किस का रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपके पास बताया भाई रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब इस रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट बताई, क्या बताई, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या बताई रेजिस्टेंस की, एसआई यूनिट बताई, साइंटिस्ट ने अपने नाम पे ही इसको एसआई यूनिट दे दिया, दैट मींस ओहम। क्या एसआई यूनिट बताई, ओहम, और इसका सिंबल बताया भाई ये इसका सिंबल बताया, और एसआई यूनिट क्या दी, ओहम। ये तो हमने पढ़ा रेजिस्टेंस। अब हमने दो कंडीशंस में पढ़ा था भाई, क्या कि एक तो हमारे पास हो जाए V अपॉन में I, जो कि एक स्ट्रेट पाथ बन रहा है, किया था। एक हमने ये भी किया था कि I अपॉन में V हो जाए तो भी एक स्ट्रेट पाथ है, बट अब कंडीशन चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी, देखो अब मेरे को I अपॉन V लेके आना है, इसका मतलब मैं क्या करूं, इस इक्वेशन से V इज इक्वल टू आई आर है, यहां पे इसको हटा देता हूं तो 1 आ गया, आई आर अपोन में वी हो गया, आई अपोन वी चाहिए था, आई अपोन वी, आर को इधर लेके आता हूं, इट मींस 1 अपोन आर इज इक्वल टू आई अपोन में वी। एक ये सिचुएशन भी बन सकती है, बट अब इस 1 बाई आर को क्या नाम दूंगा भाई, अब ये रेजिस्टेंस नहीं रहा, अब ये आपके पास बन गया कंडक्टेंस। क्या बन गया भाई, कंडक्टेंस, ठीक है, जिसको भाई किससे डिनोट करता हूं, जिसको G से डिनोट करता हूं, किससे डिनोट करता हूं, G से, दैट मींस G इज इक्वल टू 1 अपॉन में R, ये है कंडक्टेंस। अब एसआई यूनिट की, सॉरी, अब इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूं, रेजिस्टेंस तो क्या था, अपोज करता था, अब ये 1 अपॉन में R रेसिप्रोकल है उसका, एक तो अपोज करूं एक फॉलो करूं उसी का, तो कंडक्टेंस की क्या बताई आपके पास डेफिनेशन, कंडक्टेंस स्टेट्स दैट इट फ्लोस द इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या करता है, ये उस करंट के साथ साथ बहेगा, तो वो होता है कंडक्टेंस, जी इज इक्वल टू 1/r। एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो एसआई यूनिट आपके पास क्या आ गई, अब भाई एसआई यूनिट की बात करता हूं, जी इज इक्वल टू 1 अपॉन में रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट तो हमने क्या निकाली थी, ओहम, दैट इज ओहम इनवर्स, तो ये क्या आ गया, ओहम इनवर्स, या फिर साइंटिस्ट ने अपना नाम उल्टा कर दिया, जिसको बोला गया भाई मोहो, क्या बोला गया, तो ये आपके पास था कंडक्टेंस। क्लियर है? अब हम रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे भाई। यहाँ पे हमारे पास, अब मैंने बताया रेजिस्टेंस और दूसरा क्या बताया, कंडक्टेंस। क्लियर है? अब सेकंड प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। अब भाई रेजिस्टेंस हमने बताया दैट आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई, इसकी एसआई यूनिट को हमने बताया ओम, जिसको लिखा जाता है ओम से। अब डिफाइन करना पूछ सकता है, डिफाइन 1 ओम, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट 1 ओम। अब कैसे कर सकता हूं, 1 ओम इज डिफाइंड एज व्हेन 1 पोटेंशियल डिफरेंस किससे, 1 वोल्ट टू द 1 एम्पियर ऑफ द करंट। 1 ओम को कैसे डिफाइन कर सकता हूं कि व्हेन 1 वोल्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड थ्रू द कंडक्टर टू द 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज नोन एज 1 ओम। क्लियर है भाई? ठीक है, अब मैं बताता हूं भाई रेजिस्टेंस के साथ कुछ प्रॉपर्टीज, रेजिस्टेंस के साथ क्या बताता हूं, कुछ प्रॉपर्टीज, क्या बताता हूं कि करंट और रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज, करंट एंड रेजिस्टेंस,
अब क्या बता रहा हूं भाई, टेम्परेचर का हमने बताया था, तो एक पहली स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं कि ऑन गिवन टेम्परेचर, कि अगर गिवन टेम्परेचर की बात करूंगा, ऑन गिवन टेम्परेचर द करंट और द रेजिस्टेंस इज मतलब क्या बोलूं भाई, फ्लो नहीं करेगा, कहने का मतलब कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। ऑन गिवन टेम्परेचर क्या बताया कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स रिमेन्स, कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, कि कंडक्टर जो रहेगा वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बताई कि फॉर गिवन वोल्टेज, कि अगर मैं वोल्टेज की बात करता हूं, कि फॉर गिवन वोल्टेज, अगर वोल्टेज की बात करता हूं, देन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं, वहां पे क्या करेगा करंट, देन द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टर। कहने का मतलब कि जब वहां पे वोल्टेज की अगर मैं बात करूंगा तो जो करंट रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द कंडक्टर। क्यों भाई, क्योंकि देखो अगर मैं वोल्टेज की बात करूंगा, वोल्टेज को यहां लेके आऊंगा तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो रेशियो मेरे पास आया। कहने का मतलब अगर मैं वोल्टेज की अगर मैं बात करता हूं तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टर, ठीक है भाई, ओके। अब ये आपके पास था करंट और रेजिस्टेंस के बीच का। अब रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, किसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं भाई, रेजिस्टेंस की। अब रेजिस्टेंस जो बताया वो क्या 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 करता है भाई, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्या करता है, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं भाई, देखते हैं भाई। तो फर्स्ट फैक्टर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि रेजिस्टेंस जो रहेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ टू द। सेकंड बताऊं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि जो भी मेरे पास कोई अपने कंडक्टर लिया, मान लो ये कंडक्टर ले लिया, तो क्या करेगा, कोई भी अपने मैटर लिया है तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, जो भी आपने लेंथ ली है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, जो आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। थर्ड, नेचर ऑफ द मटेरियल भी डिपेंड करता है भाई, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। एंड फोर्थ वन इज ऑन द टेम्परेचर, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि हम तो क्या मान के चल रहे थे, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, बट अगर टेम्परेचर घट और बढ़ गया तो इस पे भी डिपेंड करेगा। तो आपके पास चार फैक्टर बताए, ठीक है। अब दो फैक्टर देखना भाई, फर्स्ट और सेकंड फैक्टर से मैं क्या देख सकता हूं कि रेजिस्टेंस, दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखता हूं, वन और टू के साथ अगर मैं लिखूं तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ था, इनटू में एरिया, इनटू में वन अपॉन में एरिया, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, इट मींस रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ अपॉन में एरिया, बन गया भाई। अब यहां पे इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, प्रोपोर्शनल के हटाने के लिए आर इज इक्वल टू, अब मैं क्या यूज करता हूं भाई, एक रो सिंबल यूज करता हूं, क्या सिंबल करता हूं, इसको बोलता हूं मैं रो, आर एच ओ, ठीक है, रो सिंबल यूज किया, इनटू में लेंथ अपॉन में एरिया, तो ये आपके पास आया एक कांस्टेंट टर्म, दैट आर इज इक्वल टू में रो एल अपॉन में ए, रो जो कि यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिस रो को यहाँ पे नाम दिया भाई, दैट रो को नाम दिया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या नाम दिया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और दूसरी टर्म में इसी का एक और नाम दिया, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, उसको क्या नाम दिया भाई, रेजिस्टिविटी, क्लियर है। देन रो के आपके पास दो टर्म होगी, एक तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टिविटी। अब आपके पास पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो निकालना मेरे को, रो इज इक्वल टू एरिया डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हुआ रेजिस्टेंस इनटू में एरिया, उधर एल मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में, डिवाइड में, क्लियर है। अब यहां से डेफिनेशन क्या बन गई कि व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया है बाय द कंडक्टर विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू द पर यूनिट ऑफ द लेंथ इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दोबारा बताता हूं कि व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ऑफर्ड टू द कंडक्टर विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू पर यूनिट ऑफ द लेंथ इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब ऐसा यूनिट निकाल सकता हूं, दैट रो इज इक्वल टू, मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम इनटू में
एरिया, एरिया की निकालो तो मीटर स्क्वायर अपॉन में लेंथ, लेंथ होता है किसमें, मीटर में, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल आउट हो गया, दैट रो इज इक्वल टू में ओम मीटर। ये भाई माइनस का साइन नहीं है, ये मैं कंबाइंड जोड़ने के लिए मैंने ये लगाया, तो इसका मतलब है ओम मीटर। तो इसकी असाइनमेंट क्या आ गई, ओम मीटर। अब पूछ सकता है डिफाइन वन ओम मीटर, आपको वन ओम मीटर डिफाइन करना है तो कैसे करोगे, कि जब एक ओम का रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया गया विद वन मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू पर यूनिट ऑफ द लेंथ इज नो इज इज डिफाइंड एज वन ओम मीटर और वन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये आपके पास भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के टर्म को बताता है, क्लियर है। तो इस टाइप से आप किसी भी कंडक्टर या फिर किसी भी आपके पास मैं बोलूं मेटल की एलॉय की रेजिस्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से, क्लियर है भाई। अब इसी के साथ एक टर्म और ऐड करता हूं, क्या कि ये तो आ गया रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, जैसे हमने रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल किया था, कि अगर मैं क्या कर दूं वन अपॉन में रेजिस्टिविटी कर दूं, कहने का मतलब अब यहां पे रेजिस्टिविटी को अगर उल्टा कर दूंगा तो लेंथ ऊपर हो जाएगा और मेरे पास रेजिस्टेंस इनटू में एरिया नीचे आ जाएगा, यही होगा भाई। अब ये कंडीशन क्या कहलाती है, ये कंडीशन कहलाती है भाई कंडक्टिविटी। क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी। वन बाई सिग्मा, वन बाई रो, रो को बोला गया रेजिस्टिविटी, जिसको यहां पे टर्म नाम दिया कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जिसको लिखा गया भाई सिग्मा से, किससे लिखा गया सिग्मा से, क्या इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी का उल्टा कर देता हूं तो वो आपके पास क्या आता है कंडक्टिविटी। तो यहां से मेरे को पता चलता है कि जो भी मेरे पास एलॉय या मेटल होते हैं वो गर्म होने के बाद क्यों नहीं टूट पाते, वो कंडक्टिविटी क्या है उस मटेरियल की, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या है। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर किसी भी एग्जाम के लिए आप इसको लर्न कर सकते हैं। सो प्लीज कीप, सो प्लीज बी इन माइंड दैट यू हैव टू कंप्लीट योर टॉपिक, ठीक है। उसके बाद भाई आपको यहाँ पे इसके अलावा जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स आएगी वो हम आगे प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। देन अब देखते रहिए, थैंक यू।